राम राम भाइयों, मैं थार अपना भाई बाबू बकैत और तुम देख रहे हो bollywoodcalendar.com। इब्जा, अगर तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मारे को ना पता, अगली वीडियो अगर आएगी तो मारे को ना बताना कि भैया थारी वीडियो मारे को देखने को ना मिली। यही खातिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिला दो। अरे वो वाला हिला दो नहीं, ये वाला हिला दो, समझ गयो भैया। हम बात करने लाग रहे हैं ऐसे एक्टर की जो अपने बाप के दम पे उभरा, चाहे वहाँ को एक्टिंग आवे या ना आवे, लेकिन मूवी घड़ा मिल जा, और जो भी यहाँ को मूवी मिले वहाँ में फिजिक और लॉजिक की मार ली जा। इससे मैं तुम्हें एक बात उठाना चाहूँ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में ना तीन काम बखूबी कर रखा। तो काके कौन सा काम है? अरे वही बागी एक, बागी दो, बागी तीन, और साथ में वॉर, जो कि बागी फोर मारे को ज़्यादा लागे। और भी यहाँ से हटके तीन चार मूवीज है जिसमें मैंने काम किया, और जिसमें मैंने काम किया वह मूवी के लाग गए। रे ना मान रे, एग्जाम्पल बता दूँ थारे को, मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और फ्लाइंग जेट। रे भाई अब तो मान गए, रे भाई अब तुम लोग कहोगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे अच्छा स्टंटमैन यो ही है, तो भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँ कि रस्सी पकड़ के तो कोई भी स्टंट कर ले, वह जिगर है तो बिना रस्सी के करके दिखा। और यो इन सब तय मारा मतलब जिमनास्टिक, कराटे कोच, स्टंटमैन में ही घड़ा चोखा दिखे तू। यो एक्टिंग वैक्टिंग थारे बस की बात ना है, लेकिन के करे तू ठहरा स्टार किड, थारे को बापू के दम पे मूवी तो मिल जा, तो थारे को स्ट्रगल करने की के जरूरत है? जाते कोई फर्क न पड़ता वहाँ को एक्टिंग आवे है या ना आवे, लेकिन जो भी आके मूवी हिट जावे वहाँ में भरपूर स्टंट रहे। ये देखो मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। हाँ बकचोदी की तो सारी हदें पार कर रखी लौंडे ने, मतलब जाके सामने पूरी की पूरी गाड़ी फट जा, लेकिन छोरे के चेहरे तक सिकंज तक ना, और मारे सामने एक आलू का बम फट जा, साली मारी फटके चार हो जा। मारे कुछ दोस्तों ने आकी मूवी देखी और एक आध मैंने भी देखी, सड़क के काम कर रखा लौंडे ने, मतलब तब भी देखोगे तो बोलोगे भाई के काम कर रखा सड़ा। हर मूवी में एक ही सा एक्सप्रेशन, चाहे वो लड़ रहा हो या मार रहा हो या खुद में पिट रहा हो। पहले टैलेंटेड भाई से जिनको इंडिया का खाकर इंडिया को ही बेकार बता रहा, या तो वही वाली बात हो गई जिस थाली में खाया वही थाली में छेद करो। I think other countries are much better than India in every field. There is lot more things that India should learn from other countries. हाँ बेकार हो भी क्यों ना, अदर्स कंट्री से कुंफू कराटे जो सीख के आया दिखे तू। इंडिया शायद इसको इसलिए ना पसंद कि इसकी बेकार सी मूवीज को इंडिया वाले हिट करा देते, और शायद इसलिए भी ना पसंद कि 28 मिलियन जनता जनार्दन या को फॉलो कर रहे। हद से याद आया, एक बिल्डिंग में 200 छोरे थे बीच में थे, श्रद्धा दीदी को ऐसे ले आते हैं जैसे चींटी अपने घर में थे मट्टी। और यही सी घटिया सी मूवी देखने के बाद प्रोड्यूसर ने सोचा कि इसको एक लेवल और बढ़ाया जाए, और अगले लेवल में कुछ ऐसी बकचोदी होती। We are not two, we are not a hundred, we are a whole country. रे चूतिये, तू भी घना चूतिया हो रहा, तू उसने कंट्री की धमकी दे रहा जिसने टॉप से, बॉम्ब से, फाइटर हेलीकॉप्टर तक का कुछ न उखाड़ पाया, ऐसे महान व्यक्ति का पूरी कंट्री के बिगाड़ लेगी। भाई ये तो थी आज की वीडियो, अगली वीडियो के लिए तुम देखते रहो bollywoodcalendar.com। तब तक के लिए बाऊ बकैत की राम राम।